गुड इवनिंग एवरीवन। और आप मुझे देख रहे हैं एकेडमी पर, और संविधान का पेपर लगातार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और एक एक टॉपिक करके हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगभग सभी टॉपिक का हम कंसेप्चुअल आस्पेक्ट इस टॉप देख रहे हैं, उसी प्रकार से एक टॉपिक है राष्ट्रपति का इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आप जानते हैं कि जब से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ है, लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, इस लोकतंत्र में पूरे इंटायर वर्ल्ड आप देख लें तो दो पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पद है प्रधानमंत्री का और दूसरा पद है राष्ट्रपति का। ये दोनों पोस्ट जो होते हैं आज डेमोक्रेसी की जान है। कहीं कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब शासन की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। शासन की अध्यक्षात्मक व्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और फिर एक होता है शासन की संसदीय मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो भारत में जो है कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो जिस जिस देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वहाँ प्रधानमंत्री ऑल इन ऑल होता है, और जिस भी देश में राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वहाँ प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है, राष्ट्रपति वहाँ सर्वप्रमुख होता है। लेकिन अगर आप प्रीएम्बल उठाकर देखते हैं, अगर प्रस्तावना की भाषा अगर आप पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में क्या कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहाँ से शुरू होता है, और हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इंटू अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म, इंटू अ सोशलिस्ट फॉर्म, इंटू अ सेकुलर फॉर्म। तो हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में हम भारत को देखते हैं। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो प्रियम्बल ही कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग स्ट्रॉन्गली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, उसका एक टू कंस्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सेकुलर फॉर्म, इंटू अ सोशलिस्ट फॉर्म, इंटू अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म। अगर हम यहाँ से जो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर निकाल लेते हैं, तो वे कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कंस्टिट्यूट इंडिया इंटू अ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म। मतलब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, और ये प्रियम्बल आप याद रखिए कि 13 दिसंबर 1946 को लिखा गया, 13 दिसंबर 1946 को। और जब पहली बैठक ही आपके संविधान सभा की जब हुई थी, पहले भी हम बताए थे, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी, 9 दिसंबर 1946 को थी। और जो सेकेंड सिटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो आपको 11 दिसंबर 1946 को थी, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन बने थे, है ना, परमानेंट चेयरमैन बने थे, परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, अस्थाई अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से जब दूसरी बैठक की काम की शुरुआत हुई, और उसके बाद 13 दिसंबर ठीक 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का गोल क्या होगा, हमारा देश किस तरह का बनेगा, हमारे यहाँ किस फॉर्म की गवर्नमेंट होगी, क्या राष्ट्रपति ऑल इन ऑल होगा, क्या प्रधानमंत्री ऑल इन ऑल होगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन चूंकि हम लोग इतने दिनों तक डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट से डायरेक्ट एडमिनिस्टर्ड होते रहे, शासित होते रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था 1757 से लेकर 1857 तक, और 1857 से लेकर 1947 तक डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के आदेश के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को हटाकर भारत में सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन
ब्रिटिश महारानी या महाराज क्राउन के नाम से भारत में होने लगा, और भारत में इंग्लैंड के शासन, भारत में इंग्लैंड के संसद के द्वारा शासन होने लगा। इंडियन जो टेरिटरी थी रूल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ऑल लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री, और सभी जो बनाए गए कानून थे हमारे देश के लिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रहा था, और वो जो लॉ बन के आता था वो एक रूप से कहिए कि एक जो हमारे के यहाँ जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है, विधि का शासन जो हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लिया, विधि का शासन, तो वो ब्रिटेन से आया। और रूल ऑफ लॉ विधि का शासन बनता ही पार्लियामेंट से है, क्योंकि ब्रिटेन में तब तक कोई भी काम होता था तो पार्लियामेंट के थ्रू होता था, और वहाँ का जो किंग होता था, जो राजा होता था, बस एक सिग्नेचर पोस्ट होता था उसका, उन्हें दस्तखत करना है। तो भारत में हम विधि का शासन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून बनाने के इंस्टीट्यूशन, जो रूल मेकिंग इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, इन सबों का, जिला परिषद, नगर निगम, नगर निकाय, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे चीज भारत में इस्टेब्लिश हुए। हाई कोर्ट के लिए देखिए 1861 हाई कोर्ट एक्ट आया था, जो हमारे के यहाँ 56 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे के यहाँ एक संवैधानिक संस्था का विकास करने की प्रक्रिया शुरू की, और वो 1861 का उन्होंने एक लॉ बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए। और वह लॉ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना हो ही चुकी थी, तो वो भारत में हाई कोर्ट की स्थापना करने के लिए 1861 में हाई कोर्ट एक्ट 1861 बनाया गया था, और उसी की तरह 1862 में आपको बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, तीन हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और आगे चल के इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बहुत सारे हाई कोर्ट बनने लगे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रस्तावना जिसे हम प्रेसिडेंट लेकर आ रहे हैं, क्यों प्रेसिडेंट है हमारे हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, आप प्रश्न करिए कि राष्ट्रपति क्यों है, किस प्रोसेस से। देखिए इसमें आपको तीन क्लास लगेंगे, आज उसका एक बेसिक लेक्चर है, कल उसको इसके फॉर्मेट में पूरा बताएंगे कैसे एमपी एमएलए का इलेक्शन होता है। आप समझिए, कभी आप क्या सोचे कि भारत में राष्ट्रपति का पद क्यों है? प्रधानमंत्री जब सब कुछ काम करते तो प्रधानमंत्री से काम चल जाता। तो इस तरह से वहां प्राइम मिनिस्टर से हम बहुत रूबरू होते रहे ब्रिटेन के पार्लियामेंट सिस्टम से, और लॉर्ड नॉर्थ से लेकर कई प्राइम मिनिस्टर को हम लोग जानते हैं, क्लेमेंट एटली तक, तो चर्चिल तक, जितने भी प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए एवरी टाइम में, तो और तो इस तरह से हमें लगा कि हम पार्लियामेंट के नज़दीक ज़्यादा हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं नज़दीक हैं, मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के ज़्यादा नज़दीक हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के ज़्यादा नज़दीक हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हो डायरेक्ट जनता के निर्वाचित, डायरेक्ट जो इलेक्टेड पर्सन है उसका रिप्रेजेंट करें, हम उसके ज़्यादा नज़दीक हैं। लेकिन तब तो हमारे प्रस्तावना में जो 13 दिसंबर 1946 को लिखा गया, तब तो खाली इतना ही लिख देना चाहिए था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, ये कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि टू कंस्टिट्यूट इंडिया, हम भारत को बनाएंगे इनटू अ डेमोक्रेटिक स्टेट, हम भारत को देश को केवल लोकतांत्रिक बनाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं लिखा, हमने लिखा टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग प्रेम्बल पढ़े होंगे, कभी ध्यान नहीं देंगे, प्रेम्बल का एक एक वर्ड एक एक दिन का क्लास है। वी कंस्ट, फिर ध्यान दीजिए, वी कंस्टिट्यूट इंडिया, कंस्टिट्यूट मतलब बनाना, बनाना निर्माण करना, अपने देश का प्रशासन का ढांचा निर्माण। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया 13 दिसंबर 1946 को जब हमारे नेता संविधान सभा में, कंस्टिट्यूट असेंबली में जब बैठे हुए थे, और बैठे हुए कोई दूसरे तो थे नहीं, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सुचेता कृपलानी थे, और उसके बाद बहुत सारे इंसान मेहता थे, बहुत सारे जो 15 लगभग महिलाएं थीं, मुंशी थे, जीव मावलंकर थे,
बहुत सारे लोग थे जो हमारे उस समय जो 1389 मेंबर 389 लोग उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तो 389 लोग हमारे संविधान सभा में गोविंद बल्लभ पंत बहुत सारे लोग थे जो हमारे ज्योति बसु थे, तो हमारे संविधान सभा में 389 मेंबर बैठे हुए थे और उन 389 सदस्य में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना जब पढ़ने के लिए उठे तो उन लोगों ने सब सहमति से कहा कि नहीं, हम भारत को बनाएंगे, हम भारत के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, चूंकि वो कंस्टिट्यूएंट जो असेंबली था उसमें भारत के लोग बैठे हुए थे, उनका कोई डायरेक्ट पोस्ट नहीं था, हमने उनको इलेक्ट करके एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया और बोला कि आप हमारे लिए अब आज़ाद होने वाले हैं, क्लेमेंट एटली की घोषणा माउंटबेटन प्लान के तहत आप हमारे लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप करिए, एक गवर्नमेंट का फॉर्मेट डेवलप करिए और उसी गवर्नमेंट के फॉर्मेट को उन लोगों ने बनाने के लिए पहले कहा कि कैसा बने, तो 389 मेंबर लोग मिलकर पहले निर्णय ले लें कि हमारा देश कैसा बने। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम भारत को समाजवादी बनाएंगे, हम भारत को सेकुलर बनाएंगे, पथ निरपेक्ष बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, उसी में बोला कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी बनाएंगे, हालांकि समाजवादी, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा गया है, लेकिन उस समय ये था कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया है ना, हम भारत को सोवरेन स्टेट बनाएंगे, वी हम भारत को टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन द सोवरेन स्टेट और वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हमने नेहरू ने सदस्यों को भी कहा कि देखिए भाई, वी कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ डेमोक्रेटिक, हम लोकतंत्रात्मक बनाएंगे, और इसका सिंपल मीनिंग समझिए, डेमोक्रेटिक का मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति वो भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसका मीनिंग एक अलग भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑल इन ऑल होगा और उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक के बाद रिपब्लिक बोला गया, रिपब्लिक। तो मुख्यतः रिपब्लिक जो होता है उस देश को प्रेसिडेंट को ऑल इन ऑल पावर देता है, सारे पावर वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। जिस देश में रिपब्लिक कंसेप्ट है वहाँ राष्ट्रपति ऑल इन ऑल होता है, और जिस देश में डेमोक्रेटिक का पूरा कंसेप्ट है वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑल इन ऑल होता है। तो संविधान सभा के लोगों ने कहा कि हम दोनों पद ले लेते हैं, डेमोक्रेटिक, हम दोनों स्ट्रक्चर ले लेते हैं, डेमोक्रेटिक ले लेते हैं और रिपब्लिक भी ले लेते हैं, लोकतंत्रात्मक ले लेते हैं और गणराज ले लेते हैं। तो लोकतंत्रात्मक के लिए जरूरी था कि प्राइम मिनिस्टर का पद हो और रिपब्लिक के लिए जरूरी था कि प्रेसिडेंट का पोस्ट हो, इसलिए हमारे देश की व्यवस्था में आप इसका प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि हमने नहीं बल्कि 13 दिसंबर 1946 को ये प्रीएम्बल पेश हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और उस पर ऐसा नहीं 13 दिसंबर से लगाकर 13 जनवरी रख लीजिए एक महीना, और 13 जनवरी से फिर 9 दिन रख लीजिए 22 जनवरी तक, मतलब एक महीना 9 दिन, मतलब लगभग मान के चलिए 40 दिन में कई बार इस पर डिस्कशन हुआ कि क्या दोनों पोस्ट रखना जरूरी है। तो फिर इस डिस्कशन के बाद 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिया कि नहीं नहीं हम लोग दोनों पोस्ट को रखेंगे, दोनों इंस्टीट्यूशन को रखेंगे, और इस तरह से हमने राष्ट्रपति का पद भी ले लिया। तो ये इकलौता संविधान की विशेषता रही। और अब यह कि ये दोनों पद लेने की जरूरत क्या हुई, ये भी तो प्रश्न उठता कि आखिर में क्या जरूरत थी, इतना क्या डिस्कशन हुआ होगा उस संविधान सभा में, क्या डिस्कशन हुआ होगा दोनों पद को लेके, क्या कहा गया होगा कि क्यों रखा गया राष्ट्रपति का पद और प्राइम मिनिस्टर का पद, इसका भी तो प्रश्न का आंसर होना चाहिए। उसका देखिए एक जवाब था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण हो चुका था, बहुत हाईकोर्ट बन चुके थे, म्यूनिसिपैलिटी बन चुकी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाएं बन चुकी थी, पार्लियामेंट का भी एक तरह से सेंट्रल असेंबली बन चुका था, ड्यूअल हाउस का सेंट्रल असेंबली है जो केंद्रीय विधानसभा उस समय बुलाता था संसद को, वो दो सदनी बन चुका था। तो फिर जब हमारे के यहाँ जब शासन था तो उस समय भी हमारे के यहाँ ये दो तरह की व्यवस्था थी, जैसे गवर्नर और मिनिस्टर, राज्यों में तो पूरा फॉर्मेट हो चुका था, केंद्र में तो पूरी सरकार बनी नहीं थी, केंद्र में तो गवर्नर जनरल और मंत्री तो कंसेप्ट आया नहीं था। तो राज्य की अगर बात करते हैं कि बिहार राज्य था तो मान लीजिए श्री कृष्ण सिंह 1937 में मुख्यमंत्री थे, ठीक, और उसी समय बिहार के गवर्नर भी होते थे अंग्रेज, अंग्रेज गवर्नर भी शासन करते थे और बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह अपने मिनिस्टर के द्वारा भी शासन करते थे, और ये व्यवस्था आप जानते हैं कि
1919 के अधिनियम के द्वारा है, 1935 के अधिनियम के द्वारा भी चली। और इस तरह से जो ये व्यवस्था थी तो दो पोस्ट शुरू से रहा, तो इस दो पोस्ट के हम काफी नजदीक रहे। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो केंद्र में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, आज भी राज्य में गवर्नर और मुख्यमंत्री है। तो ये दो तरह की व्यवस्था, तो इसका कारण क्या हुआ कि प्रेसिडेंट और मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री और गवर्नर, इसका एक कारण ये था कि वो तो ठीक था कि हम ट्रेडिशनली रूप से इंग्लैंड से इस कल्चर से रूबरू थे। दूसरा इसका कारण यह था कि भारत एक विशाल देश था और आज़ादी के दौरान भी बहुत सारी आपसी समस्याएं खुलकर आती थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के पहले किस प्रकार से धर्म को लेकर पॉलिटिक्स अपने चरम पर थी, किस प्रकार से कत्लेआम हुआ, तो इस तरह से विविधताओं वाला देश था। भारत में क्या था कि डाइवर्सिटी काफ़ी और कुछ विविधताएं जो इतनी चरम पर थी, इतने हाई लेवल तक चली गई थी, जैसे भाषा को लेकर, लैंग्वेज देश का कौन सा हो, गवर्नमेंट का काम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज हो, राज्यों का स्टेट का इन्फॉर्मेशन कैसे किया जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाए, टैक्स सिस्टम कैसे हो, जुडिशियल सिस्टम कैसे हो। तो चूंकि भारत एक विशाल देश था और चूंकि डेमोक्रेटिक में सत्ता विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सब चीज़ होना था, तो सब कुछ समेटने के लिए और इमरजेंसी का भी आपातकाल भी लागू किया जा सकता था, युद्ध भी हो सकते थे। तो देखा है कि एक ऐसी भी व्यवस्था हो कि जिसके द्वारा इमरजेंसी में या एक मतलब सपोर्ट करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो इन डायरेक्ट विविधताओं समस्याओं और आज़ादी के दौरान पूरे जो उनका जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर लेकर हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का पद लिया। और इस तरह से जब हमने इसको जब जिस संविधान के चैप्टर में लिखा उस चैप्टर का नाम हमने इसको द यूनियन रखा। और द यूनियन में द यूनियन संविधान के पार्ट 5 की चर्चा करता है। द यूनियन अर्थात यूनियन मतलब संघ बोलते हैं, पूरे देश की जो देश स्तर की जितनी व्यवस्थाएं उसको क्या बोलते हैं, द यूनियन या संघ। जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, संघ लोक सेवा आयोग, तो द यूनियन जो चैप्टर है वो भाग पार्ट में था, पार्ट 5 पार्ट या भाग 5 था। और इसमें अनुच्छेद टोटल थे 52 से लेकर 151 100 आर्टिकल्स। और इसमें से राष्ट्रपति के बारे में जो मोटा मोटी आर्टिकल्स है 52 से 62 तक, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके पहले क्लास में देख चुके हैं। तो 52 से शुरू हुआ, तो हमने ये फिर बताया अभी इसके पहले लेक्चर में कि राष्ट्रपति का पद क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। तो इतना तो जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, देखिए तीन क्लास कम से कम आप मान के चले, एक क्लास बेसिक कंसेप्ट रहा कि क्यों आया, दूसरे क्लास में हम इलेक्शन करवाएंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, तीसरे क्लास में हम राष्ट्रपति अभी तक कौन कौन बने हैं उसके बारे में हम फैक्ट पर चर्चा करेंगे। तो ये तीन क्लास आप मान के चलिए। तो इस तरह से द यूनियन में 52 से 62 तक, तो इसमें जो ये 100 आर्टिकल्स है मैंने पीछे क्लास में आपको बांटा था, तो ये जो चैप्टर है संविधान का पार्ट 5 हम पढ़ रहे हैं। अब पार्ट 5 में अगर आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो अगर आर्टिकल्स की चर्चा अगर हम आपसे करें है ना, अनुच्छेद की चर्चा करें, चूँकि पीछे अनुच्छेद कर चुके हैं, इसको कराने के पहले नेक्स्ट क्लास में आपका होगा जो कल का क्लास होगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि जो आर्टिकल 52 से 62 तक है वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी याद करवाया था, फिर भी आपको एक बार याद करवा देता हूँ। और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एक एमपी का वोट वैल्यू क्या होता है, एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति क्या होता है ना। तो इस तरह से आपको देख लीजिए जो 50 का थर्ड है कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में आनुपातिक पद्धति का क्या मतलब है, आनुपातिक पद्धति का क्या मतलब है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में आनुपातिक पद्धति का क्या मीनिंग है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है।
ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम संक्रमणीय पद्धति का क्या मतलब है? मतलब ट्रांसफरेबल, आपको ट्रांसफरेबल वोटिंग पैटर्न का क्या मतलब है? ट्रांसफरेबल वोटिंग पैटर्न का क्या मतलब है? फिर आपको राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल को होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है? फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मतगणना है ना, राष्ट्रपति की मतगणना कैसे होती है? काउंटिंग मतगणना कैसे होती है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे काउंटिंग। और काउंटिंग में आप समझते होंगे कि प्रथम चक्र की मतगणना फर्स्ट काउंटिंग, प्रथम चक्र की फर्स्ट काउंटिंग, सेकंड काउंटिंग, द्वितीय चक्र जैसे बीबी गिरी द्वितीय चक्र के मतगणना में इसका मतलब क्या होता है? ये मतगणना हुआ ठीक। उसके बाद हम ये भी देखेंगे एक एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है और एक एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो ये सब चीज देखें कहां पर 1000 से डिवाइड करके एक वोट जोड़ा जाता है, अगर 500 से ज्यादा आपको भागफल आ जाता है। इन सब चीजों को, ये टेक्निकल जो चीज है। और उसके बाद देखेंगे किस राज्य के एक एमएलए का वोट वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर देखेंगे बिहार राज्य के एक एमएलए का वोट वैल्यू क्या है। और फिर देखेंगे हम एमपी के एक एमपी का वोट वैल्यू क्या है। तो ये सब चीजें हम जो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम आपको एक बार आर्टिक्स का रिवीजन करा देते हैं। जिन लोगों का आर्टिक्स छूटा हुआ था, जो पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे, वो जुड़ जाइए। और इसके बाद जस्ट क्लास में हम इन सब चीजों पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा, तो हम ये पहले बताते हैं इन सब चीजों को आप एकदम मत छोड़िएगा। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन आनुपातिक पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, संक्रमणीय पद्धति, ट्रांसफरेबल वोटिंग पैटर्न का मीनिंग क्या है, निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज का मीनिंग क्या है, मतगणना अकाउंटिंग मतलब उसका सेंस क्या है, और सेक्रेट बैलेट है ना, सेक्रेट बैलेट इनका वोटिंग कैसे होगा, बाय सेक्रेट बैलेट गुप्त मतदान का क्या मतलब है और गुप्त मतदान क्यों होते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जहां नियुक्त होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, वही प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? इलेक्टेड। ये क्यों होता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट क्यों होते हैं और प्रेसिडेंट इलेक्टेड क्यों होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में जो मोटा मोटी उनके पर्सनल जो आर्टिकल्स है ऐसे तो बहुत है, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक में चर्चा है, 52 से लेकर 62 तक में, फिर आगे 71 में भी है, फिर आर्टिकल नंबर 72 में भी है, फिर आर्टिकल नंबर आपको 74 में भी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, 73 में भी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, आर्टिकल नंबर 75 में भी चर्चा है प्रेसिडेंट के बारे में, और इस तरह से आर्टिकल नंबर 86 के बारे में चर्चा, 86 में है, 87 के बारे में चर्चा है, फिर मनी बिल में भी चर्चा है, और आर्टिकल 143 में भी चर्चा है। बहुत जगह जहाँ जब प्रेसिडेंट का ऐसे इलेक्शन जोड़िएगा तो SC/ST कमीशन का जो आर्टिकल है उसमें भी चर्चा 338 और 338A में, तो बहुत सारा अगर आर्टिकल देखिएगा तो बहुत जगह चर्चा है। लेकिन जो पर्सनल उनका आर्टिकल है जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर कहाँ तक है, 62। तो जैसे ही हमने बताया कि हम जो प्रेसिडेंट जो पढ़ रहे हैं वो संविधान के भाग 5 में पढ़ रहे हैं। किस भाग पढ़ रहे हैं? भाग 5 में पढ़ रहे हैं। तो भाग 5 शुरू होता है ना, द यूनियन, इसका टॉपिक क्या है, द यूनियन। भाग 5 क्या शुरू होता है, द यूनियन मतलब संघ। और इसमें हम बताए थे इस टॉपिक में 100 अनुच्छेद है, 52 से लेकर 151, तो देश का सबसे बड़ा पद प्रेसिडेंट का होता है, इसलिए आर्टिकल नंबर 52 से कहा गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस आर्टिकल नंबर 12 यही कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
तो आप याद रखिए कि आर्टिकल नंबर 12 क्या कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 1353 क्या कहता है कि ठीक है भाई राष्ट्रपति होगा तो क्या होगा, तो 53 का जो भी राष्ट्रपति होगा वो देश के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। क्या होगा? देश के कार्यपालिका शक्ति का, जो भी देश के यूनियन संघ के कार्यपालिका शक्ति का जो भी राष्ट्रपति होगा वो संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। कार्यपालिका शक्ति का मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ है ना, तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, द यूनियन जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है ना, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर देश के कार्यपालिका मतलब देश के जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका मतलब जो देश का जितना कानून नियम बनता है पूरे देश के लेवल का, उसी को कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव होता है हिंदी में कार्यपालिका। तो जिस देश में जितना नियम कानून बनेगा यूनियन लेवल का, संघ का, पूरे देश के लिए, राज्य में तो राज्यपाल है, तो एग्जीक्यूटिव मतलब रूल और रेगुलेशन को लागू करने वाले जितने कानून हैं उनको एग्जीक्यूट करना कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। तो जितने भी लॉ बनेंगे तो उन सभी देश के एग्जीक्यूटिव पावर का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो पहले तो हमने आर्टिकल 52 में कहा कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा कि भाई ठीक है 52 में अगर भारत का राष्ट्रपति होगा तो क्या हुआ, क्या हुआ, आप प्रश्न किया क्या हुआ, तो 53 में जवाब मिल गया कि एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति कहाँ की, द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति में निहित, वेस्टेड इन मतलब निहित, इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति में, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब इसका सिंपल अर्थ में है कि देश के लिए कोई भी कानून जारी होगा वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से होगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, अर्थात तो वहीं से वो लॉ इन्फोर्स होने के लिए, वहीं से वो देश में कानून लागू होने के लिए, उन्हीं के पेन से वो कानून है ना एग्जीक्यूट होगा, चालू होगा, लागू होगा। अगर देश में कोई भी कानून अगर लागू होगा ना तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, अर्थात जब पेन से सिग्नेचर कर दिए तो कानून पूरे देश में लागू होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट मतलब लागू करना, एग्जीक्यूटिव मतलब लागू करने वाले लोग अर्थात कार्यपालिका। तो देश की जो कार्यपालिका शक्ति है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल नंबर 52 से चले, क्या चले कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और होगा तो क्या होगा, तो एग्जीक्यूटिव पावर का मालिक होगा, कार्यपालिका शक्ति का मालिक होगा, कार्यपालिका शक्ति का वो प्रधान होगा, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। अब ये हुआ तो 54 जो हमें पढ़ना है कल के क्लास में, 54, 55 और 57, 54, 55, 56, 57, 58, 59 यहाँ तक बहुत जरूरी टॉपिक है। अब 54 कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वाइस प्रेसिडेंट का लिया गया वहाँ भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, राष्ट्रपति को हटाने का, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट, महाभियोग अनुच्छेद 61 में हमारे क्या, वो भी अमेरिका से लिया गया। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा ये तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस है, आर्टिकल नंबर 55, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरीका कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का पोस्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी पोस्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, राष्ट्रपति को हटाने का
जो प्रोसेस है इंपीचमेंट महाभियोग, वो भी अमेरिका से लिया गया। लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन का जो तरीका है, जो वोटिंग पैटर्न है, वो कहां से लिया गया? वो आयरलैंड से लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और वो आर्टिकल नंबर 55 में है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आपका डायरेक्ट टेक्निकल क्लास होगा कल का, वो डायरेक्ट कल के क्लास शुरू हो जाएगा आपको आर्टिकल 44 से। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले बीपीएससी और दरोगा के एग्जाम में, उसे आपको नहीं छोड़ना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और आप इसको देखिए, आप यूट्यूब पर आप बढ़िया से क्लास देखिए ताकि आपको क्लास मिलता रहे। अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर मैं यूट्यूब पर सोचूंगा कि क्लास लूँ या न लूँ। इसलिए इस क्लास को आप निश्चित रूप से पूरी तन्मयता से देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं। ठीक, थैंक्स।